Hey guys, welcome back to Chem Academy. I am Avantika Bansal and I am a biology expert. In today's lecture, we are going to learn about an important technique, that is southern blotting. That is a part of molecular biology only. It is a very important technique. So let's study about this. The topic name is southern blotting. What is southern blotting? हम क्यों करते हैं southern blotting? क्या होता है इसमें? Procedure क्या है? ये सब चीज़ें हम इस lecture में देखने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम देखें सदर्न ब्लॉटिंग हम करते ही क्यों हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सेल है या कोई भी एक चीज़ है, समझ लो सेल है, कप है, कुछ भी है, प्लेट है, चम्मच है, कुछ भी है, जिसमें बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट है. इसमें क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट है. और हम इस पूरे डीएनए में से किसी एक जीन में इंटरेस्टेड है. समझो उस जीन का नाम है जीन टू. हम किसी जीन टू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. हमें जानना है वो जीन टू इस पूरे डीएनए में प्रेजेंट है या नहीं है. अब हम इसको ऐसे निकाल के देख तो सकते नहीं है, हमें उसके लिए पूरा टेक्निक करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पूरे क्रोमोसोम में, इस पूरे डीएनए में जीन टू प्रेजेंट है या फिर नहीं है. सदर्न ब्लॉटिंग में बेसिकली क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम इस पूरे क्रोमोसोम को लेंगे, इस पूरे क्रोमोसोम को हम क्लीव करवाएंगे. कोई भी एंजाइम लेकर इस पूरे क्रोमोसोम को हम क्लीव करवाएंगे, ताकि इस क्रोमोसोम के वी विल गेट मेनी फ्रेगमेंट्स. हमें इसके क्या मिल जाए? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाए. इन फ्रेगमेंट्स का फिर हमें पता लगाना है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, जीन टू प्रेजेंट है या नहीं है. सबसे पहले इन सभी फ्रेगमेंट्स को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टेक्निक का जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. बहुत ही बेसिक टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस. हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल लेंगे, यहाँ पर जेल होगी. इस जेल में बहुत सारे वेल्स प्रेजेंट होंगे, उन वेल्स में हम इन्हीं सभी फ्रेगमेंट्स को डाल देंगे. ये वेल होंगे, वेल में हमने ये पूरा सॉल्यूशन डाल दिया फ्रेगमेंट्स का. यहाँ पर हमें ये फ्रेगमेंट सेपरेट होके मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो ऊपर होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? वो नीचे की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स में से अभी हमें पता नहीं है कौन सा जीन टू है. अभी सिर्फ हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए, इनमें से किसी फ्रेगमेंट में तो वो जीन टू प्रेजेंट होगा. पर अब दिक्कत क्या है कि हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जेल में ही कंटिन्यू नहीं कर सकते इस एक्सपेरिमेंट को. क्यों? क्योंकि ये जेल जो है बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होती है, ये आराम से टूट सकती है. एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये आराम से टूट जाएगी, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते. तो इन सभी फ्रेगमेंट्स को हमें कहीं पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. किसी में क्या कर देंगे? हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे. उसके अलावा ये वाले जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? अगर ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हैं, अगर ये फ्रेगमेंट्स हमारे पास कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हैं, तो इनको हम ट्रीट कर देंगे स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज से. इसको क्या कर देंगे? हम स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज से ट्रीट कर देंगे इन सभी फ्रेगमेंट्स को. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंट्स हैं डबल स्ट्रैंडेड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, और डीएनए का क्या हो जाएगा? डी नेचर हो जाएगा. ये डीएनए हो जाएगा डी नेचर. ठीक है, इसके बाद अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किस पे? दो टाइप के पेपर होते हैं, एक नाइलॉन पेपर होता है और एक होता है नाइट्रोसेल्युलोज पेपर. इन दोनों में से किसी भी पेपर को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और आगे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इन दोनों को ही बोला जाता है ब्लॉटिंग पेपर. इनको क्या बोला जाएगा? ब्लॉटिंग पेपर बोला जाएगा. यहाँ से इस पेपर पे ट्रांसफ़र होगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू. ठीक है, ये जो पेपर होगा इसके सेम साइज़ का होगा, बिल्कुल सेम साइज़ का हम पेपर लेंगे. बेसिकली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक कोई भी ले लेंगे. समझो हमने कोई प्लेट ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, इसमें हम फिल कर देंगे एक बफर से, जिस बफर को बोला जाएगा ट्रांसफ़र बफर. यहाँ पर फिल्ड हो चुका है ये ट्रांसफ़र बफर से. ट्रांसफ़र बफर के ऊपर हम एक ब्लॉक रख देंगे जो कि सपोर्ट के लिए है. दैट्स इट. ये क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इसके ऊपर हम एक पेपर रख देंगे, सपोर्ट ब्लॉक है ये, इसके ऊपर एक पेपर रख दिया जाएगा इस तरीके से, और इस पेपर की एक विक होगी जो कि इस ट्रांसफ़र बफर में डिप हो रही होगी. ये है एक पेपर, और यहाँ पे कैसा है? विक है. ऑब्वियसली पेपर है तो पेपर क्या करेगा? धीरे 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 उस बफर को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करते 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 वो बफर यहाँ पे आ जाएगा.
उसके बाद इसके ऊपर रख दी जाएगी वो जेल जो कि अभी हमने ली है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अभी हमारे पास फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। इस जेल से हमें ट्रांसफर करना है फ्रेगमेंट्स को एक और चीज पे जिसका नाम है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर, इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर अब हम बहुत सारे और टिश्यू पेपर्स रख सकते हैं, बहुत सारे पेपर रख देंगे। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बफर होगा, बफर सॉल्यूशन तो ऊपर आता जाएगा तो उस बफर सॉल्यूशन को ये पेपर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर रख लिया जाएगा टिश्यू पेपर, और इस टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ग्लास प्लेट, और उस ग्लास प्लेट के ऊपर हो जाएगा वेट। ये वेट क्या करेगा, ये वेट हेल्प करेगा कैपिलरी एक्शन में और इस बफर को ऊपर खींचने में। जैसे जैसे ये बफर ऊपर जाएगा उसी के साथ साथ ही फ्रेगमेंट्स भी ऊपर जाएंगे, और वो फ्रेगमेंट्स किसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ब्लॉटिंग पेपर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे सब ऊपर जा रहा है, ट्रांसफर बफर भी ऊपर जाएगा, मूव करेगा ऊपर, और उसके साथ साथ यहाँ पे जेल से इधर कौन चले जाएंगे, फ्रेगमेंट्स चले जाएंगे। ये पूरी ही चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, ये पूरी चीज़ें हो रही है एक सिंपल से एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद जितना भी जेल है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका, जेल का एग्जैक्ट रेप्लिका ब्लॉटिंग पेपर पे बन जाएगा, और वो पूरे फ्रेगमेंट्स पहुंच चुके हैं ब्लॉटिंग पेपर पे। अब हमें देखना है, हमें यहाँ पे मिल गया ब्लॉटिंग पेपर, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो ब्लॉटिंग पेपर है इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेगमेंट है जिस जो कि हमारा जीन टू है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके के फ्रेगमेंट्स हमें पहले मिले थे, सेम वैसे ही फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे बना दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक प्रॉब। सिंपली व्हाट विल यूज़, हम एक प्रॉब यूज़ करेंगे। ये प्रॉब कैसा होगा, ये प्रॉब रेडियो लेबल प्रॉब होगा। रेडियो लेबल प्रॉब होने का मतलब ऐसा प्रॉब जो रेडियो लेबिलिटी शो करेगा, जो चमकेगा, इसके चमकने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो चीज़ प्रेजेंट है। ये रेडियो लेबल होगा भी कैसे, ये रेडियो लेबल उस जीन टू का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। ये क्या कर सकता है, ये उस जीन टू से जाके बाइंड हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जीन टू होगा। ये या तो डीएनए फ्रेगमेंट ही हो सकता है, या फिर ये आरएनए का फ्रेगमेंट भी हो सकता है जो उसके साथ जाके बाइंड करेगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इस पूरे रेडियो लेबल प्रोब को यहाँ पर हम डाल देंगे। इधर हमने डालने की वजह से अब होगा क्या, यहाँ पर ये पूरा रेडियो लेबल प्रॉब जो है वो किसी ना किसी एक डीएनए के साथ जाके बाइंड कर देगा, और वो डीएनए कौन सा होगा, जिसके पास प्रेजेंट है जीन टू। समझो ये वाला जो डीएनए है इसके पास प्रेजेंट है जीन टू, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, तो यहाँ पे जाके वो रेडियो लेबल टू प्रॉब आके बाइंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रॉब है वो सब हमें नहीं चाहिए, तो इसकी एक्सटेंसिव वॉशिंग की जाएगी। इसकी एक्सटेंसिव वॉशिंग होगी जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोब होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो दैट हमें कोई फॉल्स रिजल्ट ना मिले। उसके बाद एक बार एक्सटेंसिव वॉशिंग हो गई, उसके बाद हमारे पास सिर्फ वही प्रोब बचेगा जो कि बाइंड है इस फ्रेगमेंट के साथ। अब इस फ्रेगमेंट को देखने के लिए कि ये बाइंड हुआ है तो कौन से फ्रेगमेंट पे हुआ है, इसके लिए हम इस पूरे को रख देंगे एक्सरे में, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि हाँ ये जो है इधर से लाइट एमिट हो रही है, तो ये फ्रेगमेंट हमारा वही वाला फ्रेगमेंट है जो हमें चाहिए था। कहाँ रख देंगे हम इसे, फोटोग्राफिक फिल्म में, जिसकी वजह से वी विल कम टू। सो इस तरीके से सदर्न ब्लॉटिंग को यूज किया जाता है डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि वो फ्रेगमेंट बेसिकली प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उस पूरे के पूरे क्रोमोजोम के अंदर, या जो भी हमारे पास क्रोमोजोम प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये चैनल पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। डू सब्सक्राइब केम अकेडमी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।